साल 2023 का अंत चार राज्यों के भाग्य का फैसला करने जा रहा है। चुनावी पंडित अभी से चुनावों को लेकर अपनी सटीक विश्लेषण की गोटियां चुनावी बिसात पर फेंक रहे हैं, लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव तीन बड़े नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म करने वाला होगा? इसमें सबसे पहले नाम आता है राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का, फिर आता है मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों पर मामा बनकर राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान का, और आखिरी नाम आता है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और ये कहावत चरितार्थ होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को पार्टी ने सीएम रेस से बाहर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। देश के चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, जहां इस बार विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो वहां आपको मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तिकड़ी, राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के मानस में बिल्कुल भी नहीं है। एक रणनीति के तहत देश के चार राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इन दिनों लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां करने में जुटे हुए हैं। अब आप क्यास लगाइए आखिर वो रणनीति क्या होगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सूत्रों के अनुसार इन तीनों वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग करने में लगी हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों ही नेता इन दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले दिशा निर्देश के अनुसार चुनावी रणनीति बनाकर कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमेशा ही अनबन रही है। राजे और आरएसएस की ये कटुता राज्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, पर केंद्र सरकार की ये तिकड़ी मध्य प्रदेश और राजस्थान की आम जनता की भावनाएं राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भुनाने में लगी हुई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सूत्रों ने बताया है कि विशेष तौर से राजस्थान में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ये नहीं चाहती कि एकदम से राज्य को चुनाव से बेदखल कर दिया जाए और राज्य के विरोधियों में से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी नया प्रयोग करते हुए वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को इस बार विधायक का टिकट दिया गया है और इन्हीं चेहरों में से किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 10 अक्टूबर के बाद जारी होने वाली राजस्थान की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची में कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधायकों का टिकट दिया जाएगा। उन्हीं में से जीतने वाले विधायक को केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।